तिगांव विधानसभा क्षेत्र के खंड एवं विकास अधिकारी तिगांव के कार्यालय के बाहर की सड़क ताला बन गई। दरअसल फरीदाबाद में बीते रोज से हुई झमाझम बारिश में इन दिनों तक गांव विधानसभा के हालात खराब कर दिए हैं। आलम यह है कि तिगांव विधानसभा के तिगांव में मुख्य सड़क ही तालाब के रूप में तब्दील हो गई। इतना ही नहीं, खंड विकास पंचायत अधिकारी के कार्यालय के बाहर सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है और यहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। आपका नाम विजय है। विजय जी, कहाँ के निवासी हैं आप? हम तिगांव के रहने वाले हैं जी। जो आपके सामने इतना ज्यादा ये पानी भरा हुआ है, इसकी क्या वजह आप मानते हैं? ये वजह ये समझो कि गांव की यहाँ पे कितने नेता बने, कितने सरपंच हुए, कितने कुछ भी हुए, पर लेकिन जो है यहाँ पर सुनाई कोई नहीं करता है और अपनी मर्जी का काम चल रहा है। और कहने का कितने समय से भरा हुआ है ये पानी? आई साल भरता है जी। अच्छा, हल्की सी बारिश में ये भर जाता है? किसी में ही भर जाता है। खंड विकास अधिकारी तिगांव का कार्यालय भी इसके सामने है, लेकिन फिर भी ऐसे हालात हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? बाबा, कहाँ के रहने वाले हो? तिगांव के। तिगांव के। हाँ। जो आपके सामने ही सड़क पर पानी भरा हुआ है, कितने समय से भरा हुआ है? भैया 2 साल का ज्यादा ही हो गया। अच्छा, तो क्या वजह मानते हैं आप इस पानी भरे रहने की? अच्छा, तो कोई भी देखिए, यहाँ पर खंड विकास अधिकारी का कार्यालय है, जस्ट उसके सामने भी ये हालात हैं। तो क्या कभी अधिकारी ने सुध नहीं ली? पानी में तो निकलता है बड़े उसमें बढ़ जाना। अच्छा, नाम है भी आपका? दीपांशु सिंह नाम है मेरा। दीपांशु जी, इस पानी को लेकर क्या कहोगे, कितने समय से भरा रहता है ये? कम से कम 1-1.5 महीने से भरा हुआ है। हाँ, और सालों से भरा हुआ है एक तरह से। कभी कभी बीच में सूख जाता तो सूख जाता है, नहीं तो ये भरा ही रहता है। ये इसका वजह क्या आप मानते हो? हल्की सी बरसात होते ही सरकार की लूज पॉइंट है ये, वो नहीं ध्यान दे रही यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पर एक BDPO ऑफिस भी है जो तिगांव के खंड विकास अधिकारी है, उनके दफ्तर के सामने का ये हाल है, इस पर क्या कहना चाहोगे? अब जब दफ्तर के सामने का हाल नहीं देख पा रहे तो कहाँ का देखेंगे, यहाँ का ही ये हाल है। उनके दफ्तर है, उन्हें खुद सोचना चाहिए, उन्हें भी यहाँ से निकलना होता है। कहाँ के निवासी हैं आप? बल्लमगढ़ का। तो आपका डेली आना जाना रहता है? क्या नाम है बाबा? कहाँ रहते हो? तिगांव में ही। तो ये जो पानी इतना ज़्यादा भरा रहता है तिगांव के मेन बाजार की ओर, मेन रास्ता है गांव से निकलने का, तो इस पर क्या कहोगे? ये झील है, चौबड़ता। अच्छा, झील है। अच्छा, तो क्या वजह है इसकी? झील आगर रोड में साफ हो रहा है। अच्छा, आगर रोड सब रोड भी साफ नहीं हो रहा। ये पहले जो है ये तारकोल की सड़क थी, लेकिन अब इसे जो है लेंटर वाली रोड बनवा दिया, लेकिन इसके बाद भी यही हालात है। कितनी बना ले यार, जब भी झील में जाएगी। अच्छा, कितनी बना ले यार, जब भी झील में। वजह क्या मानते हो आप इसकी? वजह न्यू की भी झील है।